हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी की नई नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी मेन हेडिंग है, आप देख रहे होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रांस फॉर एडमिशन टू PhD। नेट ही एंट्रांस टेस्ट होगा PhD की एडमिशन के लिए। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है किस तरह से होगा, इसको डिस्कस करते हैं। देख रहे होंगे आप कि इसमें क्या बोला गया है कि UGC ग्रांट कमीशन कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू NTA एजेंसी। तो जो UGC है वो आपका नेट का एग्ज़ाम करवाता है थ्रू NTA, ठीक है, और ये साल में जो है 2 बार करवाता है, जून और दिसंबर में, ठीक है। तो नेट स्कोर को आप टू अवार्ड किस तरह से, एक तो आपका होता है जूनियर फेलोशिप, ठीक है, जिसको आप GRF बोलते हैं। दूसरा जो है, आप एलिजिबल हो जाते हैं कमीशन के लिए एस टेन प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि मैनी यूनिवर्सिटी जो है एंट्रांस टेस्ट करवाती है PhD के एग्जाम के लिए, ठीक है, PhD के एडमिशन के लिए, बट अब नेट फॉर PhD होगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेट की मेरिट ही जाएगी, उसमें ही जो है आपका PhD की एडमिशन होगी। अब ये कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ये जो है न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे इसमें कि UGC ने एक एक्सपर्ट की कमेटी बिठाई हुई थी, उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 578वीं मीटिंग हुई थी 13 मार्च 2024 को। इसमें डिक्लेयर किया गया कि जो सेशन होगा एकेडमिक सेशन 2024-25, उसमें जो है नेट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही PhD में एडमिशन होगी, इन केस ऑफ जो आपके एंट्रांस टेस्ट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी करवाती थी, ठीक है। इसमें क्या है कि जून 2024 से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन कैटेगरीज, कितनी, थ्री कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 और टू के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन जो कैटेगरी 3 है, अब जो इसमें ये तीसरी ऐड कर दी गई है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए, PhD एडमिशन के लिए, ओनली फॉर PhD एडमिशन। तो इनको डिस्कस करते हैं। कैटेगरी 1 में क्या है, एलिजिबल फॉर नंबर 1 एडमिशन टू PhD विद JRF, एंड सेकंड है आपका अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, अगर आपका JRF निकलता है तो आप जो है, एक तो आपको फेलोशिप मिलती है, दूसरा आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज कैडर के लिए, तीसरा इसके साथ साथ आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में क्या बोला गया है, एलिजिबल फॉर, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एडमिशन टू PhD विदाउट JRF, एंड पॉइंट 2 है इसमें अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। बोलने का मतलब है, अगर सिंपल आपका नेट होता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका JRF नहीं होता है तो आप जो है PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा, आप जो है कॉलेज कैडर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो कैटेगरी 3 है, इसमें क्या बोला गया है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपकी जो है, आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, तो आप, बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको ना आपका JRF अवार्ड मिला है, ना आप जो है एलिजिबल होंगे कॉलेज कैडर के लिए, आप सिर्फ एलिजिबल होंगे PhD एडमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, अब इस तरह से इसको जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसको अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, ठीक है, कि किस किस तरह से जो है आप देख सकते हैं इसको। कैटेगरी 1 अगर क्वालिफाई होता है, कैटेगरी 2 अगर क्वालिफाई होता है, कैटेगरी 3, तो आप जो है एलिजिबल किस किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी 1 क्वालिफाई हो जाता है, अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो
JRF मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के लिए आप एलिजिबल है, PhD एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं कैटेगरी टू में, कैटेगरी टू में क्या क्या था आपका, आप एक तो कॉलेज कैटर के लिए एलिजिबल हैं और PhD एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको आगे बताया गया है JRF आपको नहीं मिलेगा कैटेगरी टू में, एलिजिबल हो जाएंगे कॉलेज कैटर के लिए और PhD में एडमिशन आप ले सकते हैं। जो कैटेगरी तीन है इसमें क्या है, एडमिशन टू PhD ओनली, ठीक है। आपको ना तो JRF मिलेगा ना आप कॉलेज कैटर के लिए एलिजिबल होंगे, सिर्फ आपको PhD में एडमिशन मिल सकती है कैटेगरी अगर थ्री में आप आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि कैटेगरी वन टू थ्री का किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले जाती है आपकी JRF की मेरिट, ठीक है। सबसे पहले आपकी जाती है JRF की मेरिट, फिर जो है दूसरी मेरिट जाती है आपकी नेट के लिए जिसका सिंपल नेट होता है, लेकिन अब जो है थर्ड में मेरिट जाएगी वो जाएगी एडमिशन फॉर PhD के लिए, ठीक है। अब जो है तीन मेरिटें जाएगी, ठीक है, UGC के नेट एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि नेट विल बी डिक्लेयर परसेंटाइल जो भी होगा आपका उस बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलेगी जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है जो आपकी कैटेगरी वन है अगर आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है उनको जो है एडमिट किया जाएगा PhD प्रोग्राम में डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू होगा जिसका JRF होगा उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उस आधार पे जो उसको PhD में एडमिशन मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है कैटेगरी टू और थ्री में है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आप टू और थ्री में है तो उसमें क्या होगा, 70% वेटेज जो है आपको टेस्ट स्कोर में मिलेगी, ठीक है, और 30% वेटेज जो है आपको इंटरव्यू में मिलेगी PhD जो एडमिशन प्रोग्राम होगा, ठीक है। और इस जो आपका टेस्ट स्कोर होगा और आपका इंटरव्यू होगा उन दोनों को कंबाइंड करके आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी, उस बेस पे जो है आपकी एडमिशन जो है PhD में होगी, ठीक है। ये है वो है कि जो आपके मार्क्स ऑब्टेंड होंगे किसमें, नेट में कैटेगरी टू और थ्री में, वो वैलिड होंगे सिर्फ 1 ईयर के लिए अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके नेट क्लियर होता है और आपकी कैटेगरी टू और थ्री में आप आते हैं तो आपको वो वैलिड होगा 1 साल के लिए अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो आपका जून वाला सेशन होगा, अभी नेट होने वाला है जून 2024 वाला, तो उसमें जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नोटिफिकेशन थी, ये 27 तारीख की नोटिफिकेशन थी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनको देखा जाए तो जैसे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी होती थी, कोई मान लो के लिए कोई यूनिवर्सिटी है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, ठीक है। उसमें आपके लेकिन अब क्या है कि UGC ने नेट को प्रायोरिटी दी है, इसके बेस पे ही जो है आपकी PhD में एडमिशन होगी। इसमें जो है तीन कैटेगरी बनाई है, एक दो और तीन कैटेगरी, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी के बेस पे जो है आपकी PhD में अब एडमिशन होगी, अब जो है नेट के आधार पर ही आपकी PhD में एडमिशन होगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।